खबर बाराबंकी से है, जहां आज मतदान हो रहा था। कई जगह ईवीएम भी खराब होने से मतदान घंटों बाधित रहा। फिर बाद में मशीनों को बदला गया, जिससे बाद में मतदान सुचारू रूप से चल सका। वहीं विकासखंड सिद्धौर के कमलापुर गांव में लोगों ने मतदान का विरोध भी किया, कहा कि पुल नहीं तो ओंट नहीं। वहीं विकासखंड बनीकोडर में बूथ संख्या 339 में एक महिला ने समाजवादी पार्टी का सिंबल लगाकर मतदान स्थल पर पहुंच गई। फिर अन्य दलों के नेताओं ने विरोध किया। फिर बाद में सिंबल को हटवाया गया और लोगों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। आपको बता दें कि पांचवें चरण में बाराबंकी में कुल 63.82% मतदान पड़ा और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सोहिलपुर बूथ पर ग्राम प्रधान जब वोट डालने गया अंदर, तो जो महिला बैठी हुई थी, उस महिला के सीने के ठीक सामने साइकिल का निशान बना हुआ था। और जब हमको उसने देखा तो अपना दुपट्टा जो है सामने रख लिया। और फिर जो है यहाँ पर जो सिपाही या अन्य कर्मचारी थे, उन्होंने जब शिकायत की गई तो वो अपना शर्ट ला करके दे दिए, उसके बाद उसको पहना दिया गया।